व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू इंद्रेश वीडियो। आज हम देखेंगे पाकिस्तान की छोटी सोच। तो क्रिको चैनल से आरजे रौनक की वीडियो क्यों लिखा गया है, टाइटल देखते हैं, वर्ल्ड कप से रिलेटेड है या किसी और मामले में है, तो देखते हैं। बाकी इसी मामले के ऊपर आप भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हैं, देखते हैं। पहले मामला पता चलने देना। अच्छा ठीक है, हाँ ये गुड ऑब्जर्वेशन। 1 2 3 गो। चलिए भैया देखो, अपनी दुनिया में मनुष्यों को मनुष्यों से ही तकलीफ होती है, और ज्यादातर तकलीफ अपने बाजू वाले मनुष्य से होती है, बोले तो नेबर्स। जैसे कि हमारा नेबर लेफ्ट वाला नहीं राइट वाला, जो कि हमेशा रॉन्ग साइड पर अपनी सोच लिए खड़ा दिखता है। इसका सॉलिड एग्जाम्पल है मेरे पास, लेकिन उससे पहले दो खुशखबरी आपके लिए। पहली खुशखबरी की सारा का सारा इंडिया है खुश, क्योंकि लौट आया है ग्राउंड पर गिल करके बीमारी को पुश। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और बताते हैं आपको उस एग्जांपल के बारे में जिससे साफ हो जाता है कि पाकिस्तान की सोच कैसी है। उनके शब्दों का चयन ही उनकी सोच को सामने रखता है। जैसा कि पिछले महीने अपनी टीम की स्पॉन्सरशिप इवेंट में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट ज़का अशरफ बोल गए कि पाकिस्तान दुश्मन मुल्क वर्ल्ड कप खेलने जा रहा है। अब यही साहब कल अहमदाबाद में मैच देखने पहुंचेंगे। ओ अशरफ अली, सॉरी ज़का अशरफ, तुम कैसे कर लेते हो मियां ये सब, किसी एक का तो हो रहा है। दुश्मन भी बुलाओगे, मुंह उठाकर चले आओगे, फिर वापस जाकर दोबारा है, मतलब कि पाकिस्तान की सोच टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। इन बातों के मद्देनजर जो वार्म रिसेप्शन पाकिस्तान को एयरपोर्ट पे मिला, क्या वो आपके हिसाब से सही था? इसी टीम के खिलाड़ी मोहम्मद रिजवान ने अपनी सेंचुरी गाजा को डेडिकेट करी। इस पर बवाल हो गया जब फैंस ने आईसीसी से कहा कि धोनी के ग्लव्स बदलवा सकते हो, रिजवान पे कड़ा एक्शन नहीं ले सकते। पाकिस्तान और पंगा हमेशा साथ साथ चलते हैं, और यही पंगा हाल ही में हुए पाकिस्तानी एंकर जैनब अब्बास के साथ भी हुआ, जिसका वीडियो हमने कुछ ही दिनों पहले डाला था, उसे भी जरूर देखना। अशरफ के दुश्मन मुल्क कहने वाली नापाक हरकत हो या पाकिस्तान के एंकर जैनब अब्बास के जहरीले ट्वीट्स, रमीज राजा के बदतमीजी भरे बोल हो या वकार यूनुस की बेकार बातें, पाकिस्तान ने भारत को हमेशा दुश्मन की नजर से ही देखा है, और हम यहाँ पाकिस्तान की टीम का आवभगत कर रहे हैं, बिरयानी की दावत दे रहे हैं, एयरपोर्ट पे वेलकम कर रहे हैं, कभी स्पेशल मैच से पहले स्पेशल सेरेमनी रखते हैं जो कि इंडिया पाक मैच से पहले अहमदाबाद में होगा। और इन सबके बीच सबसे बड़ा बवाल तो हुआ हैदराबाद में, जब पाकिस्तान और श्रीलंका के मैच के दौरान लग गए पाकिस्तान जीतेगा के नारे, जिसे सुनकर भड़क गए हिंदुस्तान के फैंस सारे। उठा के पटकूंगा। क्या आपको भी गुस्सा आया? कमेंट सेक्शन खुला हुआ, अपनी राय जरूर शेयर करना। और बीसीसीआई वालों से एक सवाल पूछना चाहूंगा कि क्यों क्या मजबूरी है कि पाकिस्तान की इतनी आवभगत कर रहे हो? और एक सवाल हैदराबाद की पब्लिक से, ये नारा कल मत लगाना बे, मैं आ जाऊं क्या? अपनी पर भारत में खेले गए किसी भी मैच में हमारी जानकारी में पहला ऐसा मैच है जहां ऐसे नारे लगे हैं। इस पर आप क्या सोचते हैं, जरूर अपने विचार शेयर करिएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन में हमने सीरियसली मतलब अभी मेरे को लग रहा है हैदराबाद वाले तभी ज्यादा आवभगत कर रहे थे, इनकी ये खाओ वो खाओ। कुछ लोग हैं मेरे को लग रहा है वहाँ पर जो बिल्कुल ही उस तरीके के, जिनका माइंडसेट भेज दो भैया, इनको भेज दो पाकिस्तान में, रह लो आराम से, वो वैसे बहुत खुशहाल अमीर देश है। योगी जी वाली बात मुझे याद आती है कि किराए भी दे देंगे। बताओ अगर और मुझे इसका तो बहुत लगा जो उसने अपनी सेंचुरी बहुत गलत मतलब अगर धोनी के एमएस धोनी के ग्लव्स बदलवाए थे इसी ने एक बार, तो अगर ये इतना ही है तो फिर इस चीज के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए कि जिसके खिलाफ पूरी कंट्रीज है, सब लोग हैं, और उसके आप क्रिकेट खेलने आए अभी ये इस तरीके से। पता है क्या, मैं अगर सही बताऊं ना, वो एंकर भी सही वापस भेजी उस तरीके से, ठीक है। अब मुझे मेजर गौरव आ रहे, हमने हर वीडियो में बोला है भाई मजा आएगा इंडो पाक मैच, मतलब इंडिया पाकिस्तान वाले मैच में मजा आएगा, बट फिर बीच में उन्होंने क्या बोला था कि ये फिर ऐसी हरकत कर देंगे बीच में, अब करे ना इन्होंने फिर से वही वाली हरकतें, वो इनका माइंडसेट दिखाते हैं। फिर हम क्या कहते हैं, क्रिकेट को अलग रखो, इसको अलग रखो। अरे भाई तू ठीक है, तूने सेंचुरी मारी अपना जो भी है ठीक है, ये कर जो भी है, मतलब ये क्या वो था उसका कि डेडिकेटेड हुए, तो बहुत ही ज्यादा भाई कैसे लोग हैं इनका। अब मुझे समझ आया इनके पॉलिटिशियन, इनके प्लेयर, इनफैक्ट वहाँ के जो फ्रूट सेलर है, सब कुछ, सबका एक ही माइंडसेट है, कोई इनमें से कोई भी एक भी ढंग का नहीं है, कोई सुधरा नहीं है। और मुझे लग रहा है कि जैसे वहां के लोगों को वीजा तो मिले, लेकिन कल भी दिख जाएंगे तेरे को, लगती है कल भी दिख जाएंगे मैच में, प्लेयर हैं। अब बहुत सारे लोग हमें कमेंट करके बोले थे ना क्रिकेट को अलग रखो, क्रिकेट को अलग, जब माइंड अगर कोई बंदा अपनी सेंचुरी ऐसे, मतलब एक तरह से टेररिज्म है वहां पे, उनको डेडिकेट कर सकते हैं, तो उसका खुद का क्या माइंडसेट होगा? छी यार, नहीं मतलब वो अगर गाजा के लिए लिख रहा है, लेकिन भाई वहाँ वहीं तो पनपाई है हमास, वहीं पर ही तो पनपा है, और उसने जो हरकत करी उसके लिए कुछ नहीं, इसराइल में जो लोगों के साथ जो कुछ हुआ उस, मतलब उनको तो तुमने नजरअंदाज कर दिया, जो वहाँ की औरतों बच्चों के साथ जो है उसको तुमने नजरअंदाज कर दिया, लेकिन यहाँ पर ये करती है। अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करते हैं दोस्तों, मिलते हैं आपसे कबड्डी के साथ। जय हिंद, जय भारत।